अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया के नए एपिसोड में आपका खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम एक इंतहाई खूबसूरत जानवर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि कैट्स के बारे में। बिल्लियां, जिन्हें आप और मैं सब एक बहुत खूबसूरत जानवर के तौर पर जानते हैं और इन्हें घर में पेट के तौर पर भी रखा जाता है। इस एपिसोड में हम बिल्लियों के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे। कदीम मिस्री तहजीब में बिल्लियों का जिक्र मिलता है। वो बिल्लियों को एक ताकतवर मखलूक समझते थे और उनकी इबादत भी करते थे। हमारे इर्द गिर्द जो बिल्लियां मौजूद होती हैं, उनमें कुछ गलियों में रहती हैं जिन्हें स्ट्रे कैट्स कहते हैं, कुछ को हम पेट करते हैं, उनको अपने घर में पालतू जानवर के तौर पर पालते हैं, और इसी तरह बहुत सारी बिल्लियां जो हैं वो जंगलों में पाई जाती हैं, जिन्हें वाइल्ड कैट्स कहा जाता है। मजे की बात यह है कि कुछ ऐसे जानवर जिनको हम बिल्ली नहीं समझते, वो भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि चीता, टाइगर और शेर। इन सब की साख्त, इनके रहने सहने के सलीके और इनके खुराक और दूसरे मामला जो हैं तकरीबन एक जैसे होते हैं। घरों में पाई जाने वाली बिल्लियों की बहुत सारी अकसाम हैं, इनकी बहुत सारी ब्रीड्स हैं। इनमें से कुछ बहुत खूबसूरत लंबे लंबे बाल रखती हैं, इन्हें पर्शियन कैट्स कहते हैं। दूसरी किस्म की कैट्स, जिनका फेस लॉन्ग होता है, स्मूथ फर होती है और टांगे लंबी होती हैं, उन्हें साइमेसी कैट कहते हैं। कैट्स के बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं और ये हर किस्म के रंगों में पाई जाती हैं। खास तौर पर इनकी आंखें बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ किस्म के रंगों से मिलकर बनती हैं। जंगलों में पाई जाने वाली कैट्स आम तौर पर अपनी खुराक के लिए शिकार पर भरोसा करती हैं, लेकिन आम तौर पर चलते वक्त ये पंजे अपने पॉज के अंदर छुपा के रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी कैट साइबेरियन टाइगर को कहा जाता है, जिसका वजन तकरीबन 360 किलोग्राम तक हो सकता है, और दुनिया की सबसे छोटी कैट ब्लैक फुटेड कैट ऑफ साउथ अफ्रीका है, जिसका वजन सिर्फ 1.5 किलोग्राम से लेकर 2.7 किलोग्राम तक हो सकता है। जिन जानवरों को हम कैट समझते हैं, उनके अलावा लाइन, लेपर्ड्स, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, चीता, ये सब भी इसी खानदान का हिस्सा हैं, और शायद इसी वजह से बिल्ली को शेर की खाला भी कहा जाता है। पेट्स के तौर पर कैट एक बेहतरीन जानवर है। इसके बारे में आमतौर पर समझा जाता है कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं देती, लेकिन कैट्स की अपनी एक जुबान होती है जिसे इसके मालिक बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये अपने जिस्म के हिस्सों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आंखों से, अपनी दुम की मदद से, मुख्तलिफ किस्म के इशारों की मदद से अपने मालिक के साथ बात कर सकती है। मिसाल के तौर पर, जब कोई कैट अपनी दुम सीधी करके अपने मालिक की टांगों के साथ अपने जिस्म को रगड़ती है, तो वो ये इशारा देती है कि ये मेरा मालिक है और मैं इससे प्यार करती हूँ। कैट्स के बारे में मजीद जानने के लिए इंटरनेट का और किताबों का सहारा लीजिए। अशरफुल मखलूकात होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरी सब स्पीशीज का, इन सब जानवरों का ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।